आप देख रहे हैं विपक्षी सांसदों के प्रोटेस्ट का। अखिलेश सिंह हमारे साथ, मनीष तिवारी हमारे साथ। मनीष जी, आप इसको बेहतर ज्यादा समझा पाएंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई जांच बिठाई गई है तो उसके बाद क्या जेपीसी की मांग कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो लोग ये दलील दे रहे हैं वो संसदीय इतिहास नहीं जानते। 1993 में उच्चतम न्यायालय हर्षद मेहता मामले की सुनवाई कर रहा था और यहाँ पे संसद ने एक संयुक्त संसदीय समिति उसकी जांच कर रही थी। 2001 में केतन पारेख के मामले की सुनवाई भी उच्चतम न्यायालय में और एक संयुक्त संसदीय समिति ने केतन पारेख के मामले की जांच की। जब 2G का मामला आया तो 2G की जांच सिर्फ उच्चतम न्यायालय ने निर्देश नहीं दिया और उसके साथ साथ ट्रायल कोर्ट में भी मामला चल रहा है। उसके बावजूद एक संयुक्त संसदीय समिति बनी जिसने 2G की जांच की। तो ये तो बिल्कुल बेबुनियादी बेतुकी बात है कि क्योंकि अदालत जांच कर रही है जो नीतिगत मामले हैं उनको संसद नहीं देख सकती। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।